एबी और रक्त समूह प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर मौजूद विशेष एंटीजन यानी प्रोटीन और प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडीज के आधार पर रक्त को चार मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत करती है, ए बी एबी और ओ। इस प्रणाली का उपयोग रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में होता है ताकि सही प्रकार का रक्त प्राप्तकर्ता को दिया जा सके। एबीओ रक्त समूह प्रणाली की जानकारी। नंबर एक, टाइप ए एंटीजन, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर ए एंटीजन। एंटीबॉडी, प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी। रक्त प्राप्त कर सकते हैं ए और ओ, रक्त दान कर सकते हैं ए और एबी। नंबर दो, टाइप बी एंटीजन, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर बी एंटीजन। एंटीबॉडी, प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी। रक्त प्राप्त कर सकते हैं बी और ओ, रक्त दान कर सकते हैं बी और ए बी। नंबर तीन, टाइप ए बी एंटीजन, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर ए और बी दोनों एंटीजन। एंटीबॉडी, प्लाज्मा में कोई एंटी ए या एंटी बी एंटीबॉडी नहीं। रक्त प्राप्त कर सकते हैं ए बी ए बी और ओ, यानी सभी प्रकार से इसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। रक्त दान कर सकते हैं केवल ए बी को। नंबर चार, टाइप ओ एंटीजन, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर कोई ए या बी एंटीजन नहीं। एंटीबॉडी, प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी। रक्त प्राप्त कर सकते हैं केवल ओ से, रक्त दान कर सकते हैं ए बी ए बी और ओ, यानी सभी को। इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। आरएच फैक्टर, एबीओ रक्त समूह प्रणाली के साथ आरएच फैक्टर यानी पॉजिटिव या निगेटिव भी महत्वपूर्ण होता है। अगर आरएच फैक्टर रक्त में होता है तो रक्त पॉजिटिव होता है, जैसे ए पॉजिटिव, और अगर आरएच फैक्टर नहीं होता तो रक्त निगेटिव, जैसे ए निगेटिव कहलाता है। खोज, एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा की गई थी। इस खोज के कारण सुरक्षित रक्त आधान संभव हुआ और लैंडस्टीनर को इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। DPMI सिर्फ शिक्षा होनर ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। थैंक यू DPMI।